लग जाएगा कौन है वो, समझ रहे हो भाई। इंडियन मीडिया को रोस्ट करते हुए एक स्पेशल वीडियो बनाओ, इंडियन मीडिया के तो फिल्टर पाड़ूंगा, फिल्टर पाड़ूंगा तुम्हारी कसम। उनके बालकों ने तो अपना वो कर रखा है, जो मैंने न्यूज चैनल बता दिया था ना, अपने कमेंट वमेंट बंद कर दिए, अकाउंट वकाउंट डिसेबल अच्छा कर उन्होंने, दिए। कल वालों ने बे चार वे बेवकूफ साढ़े कहीं थे आगे ना, फेंक दूंगा उठा के कहीं। गुद्दीलाल, हैं गुद्दीलाल गुद्दी सब लाल, पूरा शरीर लाल, नील पूरे शरीर पर नील घेर दूंगा। एलबीस यादव सोशल मीडिया पर जो लोग उनको देखते हैं सुनते हैं, उनका एक नया चेहरा सामने आ रहा है और वो लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। हमने उनको लगातार इस तरह की भाषा के लिए, उनकी भाषा के लिए वार्निंग दी, उनको समझाया, लेकिन वो हमारे मीडिया की साथियों, महिला साथियों के साथ भी लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते ठीक से। लेकिन आखिर वो चोरी और सीनाजोरी वाली भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर वो क्यों इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके वजह से उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी बन सकता है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राणा यशवंत जी हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर रोहित पुनेठा हैं। हम वो वीडियो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले राणा यशवंत जी से सुनते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और ये बदतमीजी का सिलसिला क्यों चल रहा है लगातार। वस्तुतः हुआ ये है कि एल्विश यादव ने एक वीडियो बनाया आज से दो रोज पहले। उस वीडियो में उन्होंने हमारे टीम के चार बच्चों ने उनके खिलाफ जो FIR हुई, उस FIR के बाद FSL रिपोर्ट आई, उस FSL रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि हाँ उस रेव पार्टी में जो नोएडा के सेक्टर 51 में हुई थी, जिनमें वो नामजद हैं, जिसके FIR में वो नामजद हैं, उसमें जो कुछ भी बरामद हुआ उसमें सांप का जहर रहा है। सांप भी जिंदा पकड़े गए, जहर भी पकड़ा गया, रिपोर्ट भी आ गई है। उस आधार पर हमारी टीम ने उनके ऊपर कुछ संगीन सवाल खड़ा किए। एल्विश यादव ने उन सवालों का जवाब देने के बजाय, वो जिस तरह से लठमार भाषा होती है, सड़क छाप भाषा होती है, गुंडे मवालियों की भाषा होती है, उसमें आ गए। लड़कियों के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो निहायत आपत्तिजनक है, शर्मनाक है और वो एक क्रिमिनल केस की बुनियाद रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने उनको सलाह दी कि आपको इस तरह की भाषा से बचना चाहिए, ये ठीक नहीं है। आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और अगर समाज में आप इसी तरह से लोगों को बताना समझाना चाहते हैं, यही नज़र रखना चाहते हैं, तो फिर आप पर लानत है, आपको इस तरह से बाज आना चाहिए। उन्होंने उसके बाद से एक नया वीडियो डाला, मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को सुनाइए। यह वीडियो जो है ये खुली धमकी है, खुली धमकी मतलब कहीं भी जा करके आपको पीट सकते हैं, आपके पूरे जिस्म को नीला कर सकते हैं और उनकी कोई भाषा होती है फिल्टर फाड़ देंगे। तो इस तरह की ज़ुबान अगर आप रखते हैं और इस तरह से ही आप लोगों से जवाब देना चाहते हैं, तो फिर आपके खिलाफ दोबारा एक और मामला बनता है। ये क्रिमिनल केस है, एक केस जिसके लिए हमने आपको पहले से आगाह किया कि आप इससे बाज आइए, आप दोबारा फिर आते हैं और फिर आप उसी भाषा में, आप इसका मतलब ये है कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आपकी ज़ुबान यही है, आप जो उठाईगीरों की भाषा होती है, जो लंपटों की भाषा होती है, जो गुंडों मवालियों की भाषा होती है, आप उसमें बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार उस वीडियो को चलाइए, दर्शकों को जानना चाहिए कि जिस आदमी को आप सुनते हैं, जिस आदमी को सपोर्ट करते हैं, जो आदमी आपके बूते, हमारे आपके बूते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, उस आदमी का असली चेहरा क्या है, उसका असली चरित्र क्या है, और यह चरित्र चेहरा जिस आदमी का इतना गंदा है, इतना घटिया है, उस आदमी को समाज में हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। कानून अपना काम करेगा। इंडिया न्यूज़ की टीम आज आपसे कहती है, वो बच्चे जिन्होंने आपके खिलाफ स्टोरी फाइल की, जिनके बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने अपना वीडियो हटा लिया, वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो ग्रेजुएट हैं, वो मीडिया का कोर्स करके आए हैं और वो जर्नलिस्ट हैं, उनको पता है कि उनको कितना कहना है, क्या कहना है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आप कितना पढ़े हैं हमें नहीं पता है। लोग आपके आस पास उसके जो होते हैं वो कहते हैं कि आप आठवीं फेल हैं या आठवीं पास हैं। तो जो भाषा आपकी है, सर्टिफिकेट चाहे आपके पास जो भी हो, लेकिन सर्टिफिकेट के हटा देने के बाद आपकी भाषा जो है वो आठवीं पास की भी नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को सुनाइए। एल्विश यादव की बदतमीजियों का सिलसिला जो है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे और रोहित पुनेठा जी के पास भी जाएंगे, पहले ये वीडियो सुनिए। भाई इंडियन मीडिया को रोस्ट करते हुए एक स्पेशल वीडियो बनाओ, इंडियन मीडिया के तो फिल्टर पाड़ूंगा तुम्हारी कसम। उनके बालकों ने तो अपना वो कर रखा है, जो मैंने न्यूज चैनल बता दिया था ना, अपने कमेंट वमेंट बंद कर दिए, अकाउंट वकाउंट डिसेबल। अच्छा उन्होंने, कल वालों ने, चार वे बेवकूफ साढ़े कहीं थे आगे ना,
फेंक दूं उठा के कहीं। बुद्धि लाल पूरा शरीर लाल, नील पूरे शरीर पर नील घेर दूंगा। ये देखिए, बुद्धि लाल कर दूंगा, बेवकूफ है सारा मीडिया, मतलब एक हाउस को लेकर ये भाषा नहीं है उनकी, उनकी सभी को लेकर एक भाषा है। और आप ये समझिए कि ये बदतमीजी उन लोगों से है, युवाओं से है, जिन युवाओं के बल पे एल्विस यादव आज एल्विस यादव की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रोहित पुनेठा जी, आपने ये वीडियो देखा, आपने ये पूरा घटनाक्रम देखा, आप ये बताइए कि ये एल्विस यादव के साथ क्या सलूक होना चाहिए? देखिए, ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जैसा कि अभी राणा सर ने भी बताया और आपने सुनाया, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, हमने तो प्रत्यक्ष भी दिखाया, प्रमाण के साथ दिखाया कि एल्विस यादव किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्विस यादव क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं इंडियन मीडिया को, वो सीधे तौर पर उन बच्चों को धमकी दे रहे हैं जिनमें बच्चियां हैं, जिनमें लड़कियां हैं। ये शब्द जो इस्तेमाल किए हैं एल्विस यादव ने, ये उन लड़कियों के लिए हैं जो अभी अपना करियर मीडिया में शुरू कर रही हैं। और देखिए, आपको अगर आपके ऊपर एक वीडियो बनाया गया तो क्यों बनाया गया? आपके ऊपर वीडियो बनाया गया इसलिए क्योंकि पुलिस की FIR कहती है कि उसमें एल्विस यादव का नाम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया न्यूज नहीं कह रहा है, ये एक एक आदमी एक एक शख्स जानता है कि जो FIR दर्ज है जिसमें रेव पार्टी में सांपों के जहर के आने का मामला है, उस रेव पार्टी में किसी तरह की एक इन्वॉल्वमेंट एल्विस यादव का था, ये पुलिस की रिपोर्ट कहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तब मामला उठाना, तब उस मामले को मीडिया उठाए भी ना। एल्विस यादव जब अच्छा करे तो सब उसकी तारीफ करें, एल्विस यादव की, सारे युवा एल्विस यादव के साथ साथ घूमते रहें। लेकिन हाँ, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि आप कहीं डाउनग्रेड हो रहे हैं तो वो ना बोले, ऐसा तो नहीं है ना। आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि जो फैंस हैं आपके, जिन्होंने आपको इस लेवल पर पहुंचाया है, वो फैंस अगर कल को आपकी किसी गलत बात को गलत कहेंगे तो वो ना कहें अच्छा एल्विस यादव और गलत बाकी दूसरे लोग, तो ये कहाँ की बात है? और आप इस तरह से धमकाएंगे, आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, आपने सुना इसमें कि गुद्दी लाल कर दूंगा, क्या होता है ये गुद्दी लाल कर दूंगा, ये शरीर नीला कर दूंगा, क्या होता है शरीर नीला? दोबारा प्ले करके सुनाओ। मतलब आप मारेंगे, आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो? ये जो भाषा है, बिल्कुल आप रोहित पुनेठा जी आप बता रहे हैं लगातार कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। हम एक बार फिर से आपको वीडियो सुनाते हैं, क्योंकि ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि आप खुद जज कीजिए कि इस तरह के लोग कैसे आपके युवाओं के नायक हो सकते हैं, कैसे उन्हें आप अपना आइकन मान सकते हैं। समझ रहे हो भाई, इंडियन मीडिया को रोस्ट करते हुए एक स्पेशल वीडियो बनाओ, इंडियन मीडिया के तब फिल्टर पाड़ूंगा तुम्हारी कसम। उनके बालकों ने तो अपना वो कर रखा है, जो मैंने न्यूज चैनल बता दिया ना, अपने कमेंट वमेंट बंद कर दिए, अकाउंट डिसेबल। अच्छा, उन्होंने करवा दो ने चार वे बेवकूफ साढ़े कहीं थे आगे ना, फेंक दूंगा उठा के कहीं। बुद्धि लाल बुद्धि सब लाल, पूरा शरीर लाल, नील पूरे शरीर पर नील घेर दूंगा, पूरे शरीर पर नील घेर दूंगा। आप ये देखिए, बुद्धि लाल कर दूंगा, बकायदा उनके साथ एक टीम है जो इस तरह के सोशल मीडिया को लेकर भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उनको अपने सेंस नहीं है। मैं ये लगातार कह रहा हूँ कि आप कोर्ट में जाएंगे, आप पुलिस की कार्रवाई में जाएंगे, आप जो भी लीगल तरीका है उससे आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से पूरे सिस्टम को ताक पर रखना और पूरे मीडिया जगत को इस तरह से अपने ठेंगे पर रखना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। और यही बात हम एल्विस यादव को, उनके समर्थकों को, उनके जो फैंस हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये समझिए कि ये जो सिस्टम है, ये जो डेमोक्रेसी है, उसका फोर्थ पिलर है मीडिया, और उसके साथ अगर एक व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसके सोचने का स्तर क्या है, उसके काम करने का स्तर क्या है। मैं अपने एडिटर इन चीफ राणा यशवंत जी से पूछना चाहूँगा कि क्या मीडिया को इस तरह से धमकाने वाला व्यक्ति सिस्टम में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, उसके संवैधानिक ढांचों में, संस्थाओं में कोई विश्वास रखता होगा? जब कभी भी आप लोकतंत्र में, हम कहते हैं कि चार स्तंभ होते हैं, एक मीडिया है, अगर देश में व्यवस्था चल रही है, देश का आम आदमी सुरक्षित है, उसके हक की आवाज़ उठ रही है, तो वो जो चौथा स्तंभ है अपनी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा रहा है, और हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। इसीलिए हम आपको बार बार उस भाषा में अब जवाब दे रहे हैं जिस भाषा में हमको बात करनी चाहिए। हम आपकी तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम आपकी तरह लठ चला सकते हैं, ना हम शरीर नीला कर सकते हैं, ना आप लड़कियों के बारे में जो बोलते हैं कि हम धंधा कर लेंगे, हम ऐसा भी कर देंगे, वो हम नहीं कर सकते हैं। सभ्य समाज अपना विरोध अपने तरीके से जताता है, हम क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं। आपने जो इसके पहले वीडियो डाला लड़कियों के बारे में, जो अपने अपमानजनक
निहायत घटिया बेहुदा बात कही है उसके लिए, और आज जो आपने मारने की धमकी है उसके लिए हम FIR करेंगे। कानूनी रास्ता हमारा है, हम कानून के रास्ते चलने वाले लोग हैं। इस देश में नागरिक अपने हक के लिए कानून के पास जाता है, और हम आपकी धमकियों को लेकर के कानून के पास जाएंगे, हम FIR करेंगे, हम आपको घेरेंगे। और आपने जो किया है खुला छुट्टा नहीं छोड़ सकते आपको, हमने आपको छोड़ दिया तो आप कहिए कि हम शायद अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, अगर दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं तो अपने हक के लिए भी लड़ेंगे। ये जो छोटे बच्चे हैं जिनको आप लगातार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, छोटी बच्चियां हैं, अभी उन्हें ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया, उन्होंने अपना करियर शुरू किया है, उनको आप चाहते हैं डरा करके उन घर के भीतर बंद कर देंगे, वो डर जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये समझ लीजिए कि आपके लोग जो कहते हैं कि वीडियो डिलीट कर दिया, वीडियो डिलीट कर दिया, ना 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 ना, ये आप भूल जाइए, कोई वीडियो डिलीशन नहीं होता है। टेक्निकल इश्यूज हमारे पास में क्राइटेरिया नहीं होता, जो क्राइटेरिया पे अगर वीडियो मेरा लगता है कि ठीक नहीं है तो हम वीडियो को दोबारा डालते हैं, हमने डाला है। और आपके खिलाफ एक एक शब्द जो कहा गया है हू बहु जस का तस पड़ा हुआ है, जाकर के एक बार नहीं 100 बार सुनवा। और आप पर हमने सवाल किया है, सवाल इसलिए कि जहां रेव पार्टी हुई छापा मारा पुलिस ने, गिरफ्तारियां की पुलिस ने, FIR दर्ज की पुलिस ने, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है पुलिस ने मंगवाई है वो रिपोर्ट सही है, FIR सही है, क्योंकि एजेंसीज कर रही हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और हमने एजेंसीज के जो फाइंडिंग्स हैं उसके आधार पर सवाल किया है, सवाल हमारा आज भी वही है, हमारा वीडियो आज भी वही है, आपके खिलाफ जितनी बातें कही हमने आज भी वही है। आपको अगर लड़ना है तो तरीके से लड़िए आप, हमारा विरोध करना है, जवाब देना है तो विरोध का रास्ता होता है उसको अख्तियार कीजिए आप, हमको अब अपना रास्ता अख्तियार करना है कानून का। आपको सबक सिखाना है, आपकी ज़ुबान गांठनी है, और आपको बताना है कि आप जो भी करते हैं सरासर गलत करते हैं। इसीलिए आपकी जो बदतमीज़ियाँ हैं, आप जिस शहर में जाते हैं वहीं आपके साथ बदसलूकियाँ हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आप आदतन ऐसे हैं और आपकी आदत यहाँ तक आ गई। बदसलूकियों का जिक्र हमारे एडिटर इन चीफ ने किया है, तो हम रोहित पुनेटा जी से बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये इनकी जो कुंडली है वो बदतमीजियों की कुंडली से कुछ जो नगीने हैं वो जरूर दर्शकों को बताएं। देखिए, पहली बदतमीजी जो है, दूसरी बदतमीजी, वो तो अभी हमने इनको दिखाई कि किस तरह की भाषा। अब आप देखिए कि मुझे लगता है पिछले 5-7 मिनट से हम एलविश यादव पर बात कर रहे हैं, राणा सर ने भी आप शब्द का इस्तेमाल किया, मैं भी आप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप भी आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एलविश यादव की भाषा आप देखिए, तू, तड़ाक, तेरी, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, यहीं से डिफरेंस आता है, यहीं से पता चलता है कि एलविश यादव किस मिजाज के हैं और जिन लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं वो किस मिजाज के हैं। हमने अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी है, हमने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है, हमने अपनी अपब्रिंगिंग जो है उसका परिचय दिया है बात करते हुए भी, जबकि आप हमारे लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तब भी आपको सम्मान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कानून के रास्ते चलने वाले आदमी हैं, हिंदुस्तानी हैं हम। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि यत्र नारियंत्री पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता रहते हैं। ठीक है, आपने क्या किया उस वीडियो में, जो लड़कियां वीडियो बना रही थी उसके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। आप धंधा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लड़कियों के लिए, क्या उनका माइंडसेट होगा, क्या उनके दिल पर बीतेगी उन लड़कियों के लिए जब वो सुनेंगी कि एक शख्स जो खुद को बहुत बड़ा यूट्यूबर कहता है उनके लिए धंधा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या तरीका। इसीलिए एलविश यादव कहते हैं ना कि बार बार पिटे हैं। अभी आप देखिए, बहुत रिसेंटली मैं बात बता रहा हूँ, वैष्णो देवी गए थे, वहां क्या हुआ था, पिटे थे एलविश यादव अपनी इन्हीं बदतमीजियों की वजह से, और ऐसी बदतमीजी जयपुर में की, जयपुर में एक फैन था, फैन को थप्पड़ जड़ दिया। तो ये तो 2-4 केसेस हैं एलविश यादव के कि इस तरह के बिहेवियर है, इस तरह की बदतमीजियां हैं। और आप ये देखिए, मैं फिर वापस पुलिस की रिपोर्ट पे आ रहा हूँ, जब पुलिस की FIR है, पुलिस में आपका नाम है, आप क्या कहते हैं पुलिस को, आप हमारे ऊपर ही नहीं, आप मीडिया के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं धमका रहे हैं, आप उस पुलिस को भी कहते हैं कि वो पुलिस वाले जो है सड़क पे चलते हुए सपेरे पकड़ लाए, सांप उनसे ले लिया, नाम एलविश यादव का लगा लिया। आपको भरोसा किस पे है भाई? आपको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे भरोसा नहीं है, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको कानून पे भरोसा नहीं है, कल आप एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठा दोगे, कल आप सरकार पे सवाल उठा दोगे। हिंदुस्तान में एलविश यादव सबसे बड़ा नहीं है, हिंदुस्तान सिस्टम से चलता है, देश के सिस्टम से। एलविश यादव कहता है ना भाई का सिस्टम, भाई का सिस्टम, नहीं, भाई के सिस्टम से देश नहीं चलता है, एलविश यादव के सिस्टम से देश नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश के सिस्टम से चलेगा। एलविश को अपना सिस्टम सुधारना होगा, एलविश को अपनी भाषा सुधारनी होगी। ये तू तड़ाक हमको भी आता है, लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है कि किसी के लिए शब्दों का इस तरह का इस्तेमाल करें हम। सिस्टम से चलता है, और यही बात हम समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एलविश यादव जो ये कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम एक ही है, वो राष्ट्र का सिस्टम है, संविधान का सिस्टम है, लोकतंत्र का सिस्टम है, मीडिया का सिस्टम है,
अपने कानूनी सिस्टम है, अदालत का सिस्टम है, प्रशासन का सिस्टम है, अदालत, प्रशासन, मीडिया, सब अगर आप धत्ता बताना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, आपको जवाब देना होगा। मैं अपने एडिटर इन चीफ से फिर समझना चाहूँगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसके बाद क्या एलविश यादव माफ़ी मांगेंगे? अगर वो माफ़ी मांगते हैं तब क्या इंडिया न्यूज़ क्या करेगा? एक कहावत है पशुपति, वो ये है कि श्वान को घी नहीं पचता है। ऐसा के वैज्ञानिक तरीके से ऐसा है कहा इसलिए जाता है कि जब कुपात्र हो तो उससे अच्छी चीज़ नहीं रखी जाती है। व्यक्ति अगर योग्य नहीं है तो वो अपनी अच्छी बातों को अपने साथ नहीं रख पाता है। एलविश यादव के साथ यही है कि श्वान जो है ना वो घी नहीं पचा पाता है, उनको वो इतने कुपात्र हैं, अयोग्य हैं कि उनको अब अपनी जो लोकप्रियता है वही नहीं पच पा रही है। और यह लोगों से बनती है, जब लोगों के बीच में जा करके ऐसा सलूक करते हैं आप लोगों के सामने अपने इस तरह के होने का उदाहरण रखते हैं तो फिर धीरे धीरे आपकी जो स्थितियाँ आज की हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगली बात यह है कि मेरी टीम को लेकर के आपको जितने सवाल करने हैं आइंदे आप सवाल कीजिए, आप लड़िए भिड़िए, क्योंकि लोकतंत्र में हम सवाल करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप मुझसे सवाल कीजिए। लेकिन जो भाषा आपने इस्तेमाल की है, जो धमकी दी है आपने, जिस तरीके से मरने मारने बाजार में बेचने की बात आपने कही है, मैं फिर से दोहराता हूँ, आपके खिलाफ हम दोनों मामलों में FIR करेंगे, हम आपसे लड़ेंगे और आपके इस किए के लिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस के पास जो केस है वो चल रहा है, उसमें 5 गिरफ्तारियां हुई, जमानत पे बाहर लोग हैं, आप भी गए, आपसे भी पूछताछ हुई, केस वो भी ख़त्म नहीं है। और कोई भी गुनहगार जो होता है पहली बार में यही कहता है कि मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ। आप कह रहे हैं ना कि आप सलमान खान का शूट में थे, वो जांच में तय होगा, आपके कहने से तय नहीं होगा। और जब FSL की रिपोर्ट है वह भी FIR जो दर्ज हुई उसकी पुष्टि करती है। अभी चार्जशीट आनी बाकी है, मुकदमा चलना बाकी है, वो केस भी आपके खिलाफ है और हमारे खिलाफ भी अगर आप लड़ रहे हैं तो हम कानून के रास्ते चलने वाले लोग हैं, इसलिए आपसे कैसे निपटना चाहिए हमको आता है, हम आपको बताएंगे। सांपों का जहर किसने सप्लाई किया, कैसे रेव पार्टी में सांपों का जहर पहुंचा, और अब इस मामले में पुलिस की जांच कहां तक जा रही है, किसके गिरेबां तक जाएगी, ये पूरा सिस्टम देखेगा और इसके बाद जो कुछ होगा वो अदालत में होगा। लेकिन ये कोई भी व्यक्ति इस हिंदुस्तान में सवालों से परे नहीं है, एलविश यादव भी नहीं है, यही बात हम लगातार कह रहे हैं। अब मैं एक एक छोटी सी टिप्पणी फाइनल कमेंट लूंगा रोहित कुनेठा जी से, फिर फाइनल कमेंट राणा यशवंत जी से। देखिए, यहाँ सांपों के जहर की बातें नहीं है, छोड़ दीजिए उस मैटर को, वो मैटर पुलिस है, पुलिस उसको देख रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस को कोई सपना तो आया नहीं होगा कि एलविश यादव को उठा के मेरे को इस केस में डालना है, कोई ट्रेल तो पुलिस को मिली होगी, तभी तो एलविश यादव का नाम सामने आया होगा। लेकिन मैं उस मामले की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एलविश यादव के जहर की बात कर रहा हूँ, मैं तो सांपों के जहर की बात ही नहीं कर रहा, मैं उस जहर की बात कर रहा हूँ जो एलविश यादव के मन में भरा हुआ है और वो जहर जो एलविश यादव अपनी जुबान से उगल रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के लिए, इंडियन मीडिया के लिए। क्यों? क्योंकि एक केस को लेकर इंडियन मीडिया आपके ऊपर सवाल उठाता है, वो केस जो कि पुलिस की जो FIR है उसमें रजिस्टर्ड है, पुलिस के दस्तावेजों में वो केस रजिस्टर्ड है, हम उस केस को लेकर आपके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। आप उस एक चैनल से चलिए ना, प्रॉपर चैनल से, जैसे हम लोग चल रहे हैं, आप सीधा अपना एक वीडियो बना देते हैं और इस तरीके से धमकाने लगते हैं और धंधा और देश दूंगा और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देश तो मैंने कहा ना कि देश सिस्टम से चलेगा ना भाई, आप ऐसा थोड़ी एक तरीका होता है, यही परिचय देता है कि एलविश यादव क्या है, यही पर बता रहा है कि एलविश यादव किस तरह की चीजें कर रहे हैं। एक चीज समझ लेनी होगी एलविश यादव को, उनको लग रहा है ना कि मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ या मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, तो बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन ये चुटकी है ना, ये ऐसे चुटकी बजती है तो आदमी जो है कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पर आकर गिर जाता है, इस चीज को समझ रहा होगा एलविश यादव, और गिर रहे हैं वो, और गिर रहे हैं, और कैसे गिर रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को एक बार फिर से सुना देते हैं, ऐसे गिर रहे हैं वो। भाई इंडियन मीडिया को रोस्ट करते हुए एक स्पेशल वीडियो बनाओ, इंडियन मीडिया के तो फिल्टर पाड़ूंगा तुम्हारी कसम, उनके बालकों ने तो अपना वो कर रखा है, जो मैंने न्यूज चैनल बता दिया ना, अपने कमेंट वमेंट बंद कर दिए, अकाउंट डिसेबल, अच्छा उन्होंने करवा दो रे चारवे बेवकूफ, साढ़े कहीं थे आगे ना, फेंक दूंगा उठा के कहीं, बुद्धि सब लाल पूरा शरीर लाल, नील पूरे शरीर पे नील घेर दूंगा, तो गुद्दी कर दूंगा, नील कर दूंगा, बेवकूफ, ये भाषा है। 30 सेकंड में हम इसको कंक्लूड करेंगे। राणा सर, दरअसल हम सड़क पर चलते हैं तो कोई आदमी अगर इस तरह की भाषा में बात करता है तो आप एक घृणा की नज़र से देखते हैं
और आराम से अपना रास्ता बदल करके चले जाते हैं। मानते हैं कि अरे ये सनकी आदमी है, इसके साथ बात नहीं की, इंसान ही नहीं है। एल्विश यादव की भाषा ऐसी है, सिर्फ आपने मेरी टीम को चैलेंज किया है, इसलिए हम लोगों का ये नैतिक अधिकार बनता है कि हम आपको बताएं कि आप क्या करते हैं और कितना गलत करते हैं। अगर आप सड़क पर चलते हुए होते और अपनी चार मंडली के साथ, जिस मंडली के साथ चलते हैं, और कोई आदमी अकेले में आपसे सवाल कर देता कि आपके ऊपर तो मुकदमा हुआ पड़ा है, FSL की रिपोर्ट आई है, इसका मतलब कि आपको तो वहीं हत्या कर देंगे, आप उसको आप वहीं मारेंगे पीटेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपसे होने वाले सवाल का जवाब आप ऐसे देंगे, तो आपको जवाब अगर ऐसे ही देना है तो फिर हमको भी अपने तरीके से जवाब देना है। जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ की टीम को आपने डराया है, धमकाया है, गालियां दी हैं, बेहद शर्मनाक आपत्तिजनक बयान दिए हैं, उनका खामियाजा एल्विश यादव को उठाना पड़ेगा, ये आपसे हमारा वादा है। और एक चीज और है, हम बिल्कुल लीगली चलेंगे, हम आपकी तरह बदतमीज नहीं होंगे, हम आपकी तरह इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अब भी आप करके बात करेंगे, लेकिन हम लीगली मूव करेंगे, कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, कानून के से ही हम कानून का तमाचा मारेंगे। ये सिलसिला एल्विश यादव को जवाब देने का शुरू हुआ है, अभी बहुत दिनों तक चलेगा, आप जब भी एक कंकर मारेंगे हम उसका जवाब जरूर देंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।